फ्रेंड्स कॉमेडियन सुनील पाल की मुश्किलें बढ़ गईं जब FIR दर्ज हो गया। हालांकि ट्विटर के जरिए उन्होंने सबसे माफ़ी मांग ली है, लेकिन क्या है पूरा मामला मैं आप लोगों को बता दूं। फ्रंटलाइन वर्कर्स के खिलाफ आपत्तिजनक वर्ड्स यूज़ किए गए थे सुनील पाल द्वारा अपने एक वीडियो में, जिसके चलते ये मामला सामने आया और अब इस पर सुनील पाल ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन अंधेरी में FIR दर्ज हो गई है। खबर पूरी मैं आप लोगों को बताऊँ, खबर ये है स्टैंड अप कॉमेडियन सुनील पाल के खिलाफ मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई। उन पर फ्रंटलाइन वर्कर्स पर काम करने वाले फ्रंटलाइन डॉक्टर्स का मजाक उड़ाने और उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। आरोप है कि सुनील पाल ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड एक वीडियो में डॉक्टर्स पर कोविड संकट की आड़ में मानव तस्करी का आरोप लगाया। सुनील पाल ने डॉक्टर्स के लिए कहा था, वायरल हुए वीडियो में डॉक्टर भगवान का एक रूप होते हैं, लेकिन 90% डॉक्टर्स दानव का रूप धारण कर चुके हैं। मरीजों से धोखा धड़ी की जा रही है, गरीब लोगों को डराया जा रहा है, पूरे दिन कोविड के नाम पर परेशान किया जा रहा है। उन्हें यह कहकर परेशान किया जाता है कि बेड नहीं है, वार्ड नहीं है, प्लाज्मा नहीं है, दवा नहीं है। पाल ने वीडियो में आगे कहा, लोगों को ज़बरदस्ती कोविड पॉजिटिव बताकर भर्ती भी कराया जा रहा है, मरीज की मौत के बाद भी उनके नाम पर बिल बनाया जा रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जब लोगों ने आपत्ति जताई तो सुनील पाल ने माफ़ी मांगी। उन्होंने सभी डॉक्टरों पर निशाना नहीं साधा था, ये कहा, अगर मेरे बयानों से डॉक्टरों को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं और अपने शब्दों को वापस लेता हूं। डॉक्टर वास्तव में भगवान का एक रूप हैं। धाराएँ लगी 500 मानहानि और धारा 505 दो के तहत केस दर्ज किया गया सुनील पाल के अगेंस्ट में। अपनी सफाई में सुनील पाल ने कहा कि वेबसाइट पर मैंने माफ़ी मांग ली है, मैंने एक व्यंग के रूप में मौजूदा हाल को पेश करने के प्रयास किया था, मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करने का नहीं है। मैंने वीडियो में केवल 90% डॉक्टरों का उल्लेख किया और अगर कोई खुद को इस 90% में समझकर आहत होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उनका एक ट्वीट आ गया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, सॉरी डॉक्टर्स, और टैग किया है एम्स, अमित शाह ऑफिस, PMO, ANI, NDTV, ABP, AMS SRDA, AMC मुंबई, AU ठाकरे, राजेश तोपे, मुंबई पुलिस, DGP महाराष्ट्र। तो फिलहाल एक खबर आई रिलेटेड टू सुनील पाल, मामला FIR तक पहुंच गया और उसके चलते माफ़ी भी मांगनी पड़ी। लेकिन फिलहाल अब इस पर जो खबर आई वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।